ये है पनडुब्बी सबमरीन। अब इसमें अंदर जा रहे हैं हम लोग, अभी अंदर देखेंगे इसमें क्या होता है। ये फर्स्ट टाइम है, इससे पहले मैंने भी कभी सबमरीन के अंदर में गया नहीं। देखिए जाने का, अंदर जाने का जो रास्ता है, वो रास्ता ही कितना कंजेस्टेड है। थोड़ा बहुत संभल करके जाना पड़ता है क्योंकि पैर वगैरह फिसलने का भी थोड़ा खतरा रहता है, क्योंकि बहुत सकड़ा है, बहुत बहुत कंजेस्टेड है, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह में बहुत कुछ बनाना होता है, इसलिए कंजेस्टेड होती है। अंदर आने के बाद में सबसे पहला जो मेरा इम्प्रेशन है वो ये है कि इसमें चारों तरफ सिर्फ मशीनें ही मशीनें हैं। अभी तो ये देखिए आप, पूरा चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे मशीनों से घिरा हुआ है। कितनी मशीनें हैं इसमें, और ये दूसरी तरफ निकलने के लिए है। कितना सकला रास्ता है, ये एक छोटा सा कोई केबिन टाइप है, बेड लगा हुआ है छोटा सा। बहुत कंजेस्टेड जगह है, बहुत कंजेस्टेड जगह है। देखिए नीचे इसमें टू फ्लोर और डीप है, लेकिन टू फ्लोर उसमें टू टू फ्लोर है, हाँ उसमें जाने की इजाज़त नहीं है। ये फर्स्ट फ्लोर पे है, ये भी एक छोटा सा कोई रूम है, कैबिनेट है, बहुत कंजेस्टेड है। देखिए इस गैलरी के अंदर अगर आप चलेंगे तो दो लोग एक साथ नहीं चल सकते। ये एक शायद कॉन्फ्रेंस रूम टाइप कुछ लग रहा है, मीटिंग रूम टाइप, थोड़ा बड़ा है। मशीनें ही मशीनें आपको हर तरफ यहाँ नजर आएंगी सबमरीन में। ये बेड लगा हुआ है इसमें, ये देखिए आप कैसा एक राउंड है, और उसमें आपको फोल्ड ओवर के क्रॉस करना पड़ता है। If you haven't subscribed to our channel yet, make sure to subscribe and hit the bell icon so that you get instant notifications of our new video uploads. इतनी मशीनें कैसे कंट्रोल होती होंगी? ये गन रखी हुई है। देखिए कितना एक राउंड गोला बना हुआ है, उसमें से आपको फोल्ड होकर के दूसरी तरफ निकलना होगा। ये भी कोई कैबिनेट है, मशीनी मशीन है चारों तरफ, छोटे छोटे कैबिनेट, छोटे छोटे रूम है। ये भी देखिए एक छोटा सा कोई कैबिनेट है, छोटा सा रूम है। कितना कंजेस्टेड है, सिर्फ बैठने की जगह एक टाइपराइटर रखा हुआ है वहाँ पर। ये भी एक कोई छोटा सा, बहुत छोटा सा कैबिन है। हो सकता है कि नीचे वाले फ्लोर में कुछ और भी हो, लेकिन यहाँ देखिए आप कितना छोटे छोटे कैबिनेट्स हैं, कितने कंजेस्टेड हैं। ये किचन है, किचन सबमरीन में खाना वगैरह बनाने के लिए। और कितने वक्त तक ये लोग पानी में इसमें रहती है सबमरीन, दो दो तीन तीन महीने ही हमारे जो मरीन्स होते हैं वो इसमें रहते हैं। पूरा आप मशीन के अलावा कुछ नज़र ही नहीं है, सारी मशीनरी मशीनरी है। कितना बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत शॉकिंग, आप कह सकते हैं कि दिलचस्प भी। हर तरफ मशीनों के सिवा कुछ नहीं है, छोटे छोटे से कैबिन है। ये बाथरूम, ये क्या है, टॉयलेट है शायद, हाँ ये टॉयलेट है, छोटा सा कंजेस्टेड लगा। ये फिर वही दूसरी तरफ से निकल करके, और ये अब ऊपर जाने का रास्ता है बाहर निकलने के लिए। मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, बाहर से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो इतना पता नहीं चलता, हकीकत जो है वो गहराई में उतरने के बाद ही पता चलता है। और अंदर जाकर के देखने पर मैं यह कह सकता हूँ कि साइंस और टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही नायाब नमूना है सबमरीन।
ये पहली बार था जब मैं सबमरीन के अंदर गया, बहुत ही क्लासिक एक्सपीरियंस ये थी। सबमरीन बहुत ही डिफिकल्ट है अंदर कि हमने जाकर के देखा, काफ़ी मुश्किल से पता नहीं कैसे दाद देनी चाहिए उन सोल्जर्स की जो इन सबमरीन के अंदर महीने महीने दो दो महीने बिताते हैं, क्योंकि चलने की भी जगह नहीं है। अगर आपको एक इलाके से दूसरी तरफ जाना है तो आपको उसमें फोल्ड, एक तरह से फोल्ड होकर के आपको क्रॉस करना पड़ता है, बहुत